नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्राई टू एक्सप्लोर पर। आप जब भी अपने मोबाइल फोन पे YouTube, Instagram या फिर कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपके सामने वही कंटेंट नजर आता है जिसे आप पसंद करते हैं। इसके अलावा आपको एडवर्टाइजमेंट भी उन्हीं चीजों की दिखाई जाती है जिसे या तो आपने यूट्यूब पे सर्च कर रखा होता है या फिर आपने गूगल पे सर्च कर रखा होता है। इसके अलावा आजकल जो सेल्फ ड्राइविंग कार आती है, जिन्हें स्मार्ट कार भी कहा जाता है, जिनमें बिना ड्राइवर के गाड़ी चल सकती है। इसके अलावा आपके स्मार्टफोन का फेस लॉक, गूगल मैप्स और जो आपके स्मार्टफोन की एप्लीकेशन है वो सारी की सारी AI टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे AI के नाम से जानते हैं, वो क्या है, वो किस तरीके से ह्यूमन लाइफ को चेंज कर रही है और ह्यूमन लाइफ को इससे किस तरीके से खतरा है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है, इसका सीधा मतलब यह होता है कि मशीन या फिर एप्लीकेशन में ह्यूमन के जैसा बिहेवियर डेवलप करना। ह्यूमन के पास में डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, जिससे कोई भी डिसीजन लेकर के कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यही काम है कि मशीन या फिर एप्लीकेशन में भी ह्यूमन के जैसा बिहेवियर डेवलप करना, ताकि मशीन भी खुद से डिसीजन लेकर के कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि आईफोन में जो सीरी आता है या फिर गूगल असिस्टेंट की बात करें, तो वो अपनी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके जो टास्क है उसको रिकॉग्नाइज करता है और उस टास्क को परफॉर्म करता है। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी जो सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला की या फिर बहुत सारी कंपनी की जो सेल्फ ड्राइविंग कारें चल रही हैं, इस सेल्फ ड्राइविंग कार के पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हाथ है। सेल्फ ड्राइविंग कार में इमेज रिकॉग्नाइजेशन, इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करके सेल्फ ड्राइविंग कार को डेवलप किया गया है। इसके अलावा आपके स्मार्टफोन का फेस अनलॉक सिस्टम, जिसमें आपका इमेज रिकॉग्नाइज करके आपका फोन अनलॉक हो जाता है। इसके अलावा गूगल मैप्स, जिसमें लोकेशन डालते ही आपको एक बेस्ट पाथ सजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा आपके स्मार्टफोन का कैमरा और आपके स्मार्टफोन में जितने भी एप्लीकेशन हैं, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होंगे, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइफ को बहुत ज्यादा इजी बनाती जा रही है और बहुत सारा ह्यूमन का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करते जा रहा है। आजकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी ऐसी हैं जिसमें लेबर का काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो रहा है। तो इतने सारे एडवांटेज होने के बाद में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइफ के लिए किस तरीके से डेंजरस है, उनके बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ह्यूमन लाइफ पर 2 सबसे बड़े डिसएडवांटेज हैं, जिसमें पहला तो यह है कि जिस तरीके से विश्व की आबादी बढ़ रही है, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। इसके बावजूद अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो लेबर का काम भी रिप्लेस कर दिया और जो बहुत सारा ह्यूमन का काम अगर उन्होंने रिप्लेस कर दिया, तो रोजगार की बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। दूसरा बड़ा खतरा यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन या एप्लीकेशन होती है, उनमें डिसीजन मेकिंग का पावर होता है। ऐसे में अगर उन मशीन ने ह्यूमन को ही अपना एनिमी समझ लिया, तो वो ह्यूमन को भी अटैक कर सकती है और ऐसे में ह्यूमन के पास कोई कंट्रोल नहीं होगा उसको उसके अटैक से बचने का। तो ये एक बड़ा खतरा हो सकता है कि अगर वो मशीन सही से कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो उनके पास में डिसीजन मेकिंग का पावर होगा और वो ह्यूमन के लिए भी डेंजरस साबित हो सकती है। तो 2 बड़े डिसएडवांटेजेस हैं AI के। बाकी AI की बात करें तो इन फ्यूचर लगभग सभी एप्लीकेशन और सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखने वाली है। तो ये वीडियो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।